उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा हुआ बेनकाब, फर्जी एनकाउंटर ने ली मासूम की जान। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिसिया फौज पर बहुत नाज करते हैं, और करें भी क्यों ना, उनकी इस पुलिस के एनकाउंटर से उनका भी तो सीना चौड़ा हो जाता है और प्रदेश में उनकी छवि में चार चांद लग जाते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त राज्य का दर्जा भी लोग देने लगे हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश पुलिस फर्जी एनकाउंटर करने में माहिर है, तो फिर आपके ऊपर क्या बीतेगी? जाहिर है उत्तर प्रदेश पुलिस से आपका भरोसा उठ जाएगा। दरअसल एक ऐसा ही कारनामा उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस द्वारा एक मासूम को फर्जी एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी आकाश गुर्जर, जिसकी उम्र केवल 21 वर्ष थी, उसको आगरा पुलिस द्वारा खनन तस्कर बताकर मुठभेड़ में 3 गोली मारी गई थी। 48 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद युवक ने दम तोड़ दिया था। लेकिन अब 6 महीने बाद आगरा जिला कोर्ट ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद से आगरा पुलिस के विरोध में गुर्जर समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और आगरा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। आगरा पुलिस द्वारा किए गए इस कारनामे से विपक्ष को योगी सरकार और उनके सरकारी कर्मचारियों पर सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट किया गया। उस वीडियो में लोग सड़कों पर उतर आगरा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव द्वारा कैप्शन में लिखा गया, आगरा में कुछ बड़े कार्यवाहक अधिकारियों के इशारों पर फर्जी एनकाउंटर की न्यायिक जांच हो और मृतक आकाश गुर्जर के पीड़ित परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। और अंतिम पंक्ति में भाजपा सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर स्टेट न बनाए। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। यूपी पुलिस की इस कार्यवाही पर आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए KIA News के साथ। यूपी पुलिस, यूपी पुलिस।